वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। तो आज हम बात करने वाले हैं गुजरात में स्टाफ नर्स की अच्छी वैकेंसी निकली है, पेमेंट भी अच्छा दिया जा रहा है और साथ ही साथ परमानेंट पोस्ट रहेगी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो लोग फॉर्म को ज़रूर फिलअप करना। लास्ट डेट है 27 जनवरी 2022। अभी भी आपके पास टाइम 3 डेज का, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होना है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे हम कि आपको कहाँ से फॉर्म फिलअप करना है, क्या लास्ट डेट रहेगी, ऑल ओवर थिंग क्या सिलेबस रहेगा, किस बेस पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो पोस्ट निकली हैं, एक्चुअल में नोटिफिकेशन जल्दी आ गया था, 11 जनवरी को आ गया था, बट जो डिटेल में वैकेंसी की लिस्ट है वो सभी चीज़ 19 जनवरी को ही अपडेट की गई हैं, इसलिए मैंने आपको अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं शेयर किया था। बट मोस्टली बहुत सारे लोग फॉर्म को फिलअप भी कर चुके होंगे, बट अभी भी आपके पास लास्ट डेट का टाइम है 27 जनवरी, 3 डेज रिमेनिंग है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको फॉर्म की ज़्यादा फीस नहीं लगनी है, ओनली 100 रुपीज़ बस लगनी है एग्ज़ाम फ़ी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कितनी पोस्ट रहेंगी, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो टोटल 153 वैकेंसी हैं, जिनको फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। OBC कैटेगरी के लिए EWS, SC, BC, तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी हैं। तो गुजराती मुझे पढ़ना नहीं आती, बट जितनी भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको ज़रूर बता पाऊँगी। तो 153 पोस्ट हैं यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए। अब हम बात करेंगे कि आपको जो पोस्ट है यहाँ पर कितना पेमेंट सैलरी दी जाएगी, कौन कौन एलिजिबल रहेगा यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसमें इनकी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उनके लिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि आपके पास BSc नर्सिंग, GNM वाले दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सैलरी अच्छी दी जाएगी आपको, जो कि परमानेंट स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जो सैलरी गवर्नमेंट देती है उतनी ही सैलरी दी जाएगी। और एक फॉर्म के लिए ओनली एक ही एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप सॉरी एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एज लिमिट क्या रहेगी। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि एज लिमिट आप 41 ईयर तक के। तो जो भी लोग, बहुत सारे कैटेगरी के ऐसे लोग होते हैं जो 35 साल के बाद 30 के बाद फॉर्म नहीं भर पाते अलग अलग पोस्ट के लिए, बट यहाँ पर कहा गया है कि एज लिमिट 41 ईयर, फिर अलग अलग कैटेगरी के लिए एज लिमिट भी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर आपके पास BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री होना कंपलसरी है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर GNM वाले भी एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, आपके पास INC का या फिर गुजरात नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो भी लोग फॉर्म भरने वाले हैं उनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, गुजराती थोड़ी बहुत बोलना आनी चाहिए, और गुजराती हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो जो गुजराती है उनको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी लैंग्वेज आती हैं। अब यहाँ पर बात की जाती है आपकी कि जो पोस्ट होगी यहाँ पर किस टाइप से आपको, उसमें रूल 9 दिया हुआ है, इसको आप बहुत ही प्रॉपरली पढ़ लें जब आप फॉर्म को फिलअप करने वाले हों, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि कैंडिडेट अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट सिलेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द गुजरात नर्सिंग काउंसिल अंडर द गुजरात नर्सेस मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर एक्ट। तो जो भी लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि आपके पास गुजरात नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जब आप जो डायरेक्ट सिलेक्शन बेस्ड पोस्ट होंगी यहाँ पर, इनकेस आपके पास नहीं होता है तो आप अप्लाई ना करें, यहाँ पर साफ साफ यही कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि आपके लिए जो फॉर्म की डेट है वो कब तक की है। तो 27 जनवरी है जो लास्ट डेट रखी गई है, और आपका यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम है जो कंडक्ट होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपका यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। ये यहाँ पर एज लिमिट को लेके कुछ छूट दी हुई है कि एज में कितनी क्या आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन के लिए कि आपका एग्ज़ाम होगा, आपको पेमेंट कितना दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। 31,340 रुपये है जो आपको पर मंथ पे किया जाएगा, यहाँ पर जो गुजरात गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है। तो ओजस गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप गुजरात की जो GPSSB गुजरात गवर्नमेंट .in वेबसाइट है यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन है जो बेस्ड ऑन योर एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी को कितने मार्क्स चाहिए तो वो भी यहाँ पे बताए गए हैं।
तो यहाँ पर नर्सिंग से आपको क्या सिलेबस रहेगा, ये रहा पूरा सिलेबस जो आपको रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज 35 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम। मीडियम आपका गुजराती रहेगा जिसमें गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर 20 नंबर की आएगी। इंग्लिश होगी आपको इंग्लिश लैंग्वेज से 20 नंबर का आएगा। बाकी 75% जो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें से आपको 75% नर्सिंग सब्जेक्ट से होगा जो कि इंग्लिश और गुजराती दोनों फॉर्मेट में आपको हो सकता है। बट यहाँ पर जो आपका जीके जीएस और जो लैंग्वेज ग्रामर ये सभी मिला के 75 मार्क्स इसके होंगे। 1.5 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट का टाइम होगा आपका। रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, देन आफ्टर बेस्ड ऑन मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर फर्जीवाड़े की गुंजाइश बहुत ही कम है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से क्या आएगा, तो यहाँ पर ये बताया हुआ है। फिर यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर कंडक्ट होगा, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो लोग फॉर्म को ज़रूर फिलअप करना। यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होने वाली है। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कि माइनस मार्किंग भी आपकी है जो होगी बहुत ही जल्दी। एग्ज़ाम की डेट ऑल ओवर थिंग्स है जो वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएंगी। कुछ कंडीशंस हैं, मुझे गुजराती पढ़नी नहीं आती है उतनी, इसलिए आपको लिंक दे दूंगी जहां से आप पूरा नोटिफिकेशन है जो एक बार रीड आउट कर सकते हैं, देन आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आई होप आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट ना हो, और जो भी डाउट रहें तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ फॉर्म को फिलअप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सैलरी अच्छी दी जा रही है, परमानेंट पोस्ट है।